बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, मबनी प्रोग्राम, जिसका नाम है गुफ्तगु। शनिवार 8:30 बजे रात को और रविवार दोपहर में 12:30 बजे देखिएगा जरूर गुफ्तगु। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। ये रज़ा लाइब्रेरी इसलिए मशहूर है कि नवाबी ने रामपुर जो थे ये बड़े इल्म दोस्त लोग थे, और एक ख़ास बात जो हुई कि इनका राइस और दिल्ली और लखनऊ का फाल जो है वो एक वक्त में हो रहा है, तो इनके राइस से जो हमारे रेयर मैन्युस्क्रिप्ट थे उसको बड़ा फ़ायदा पहुंचा। ये लाइब्रेरी की इब्तिदा 1774 से हुई और मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट होते रहे, मुख्तलिफ नवाबीन ने किए, लेकिन 1857 एक ऐसा मोड़ आया कि जिसमें दिल्ली और लखनऊ दोनों लूटे। लाल किला लूटा, शुजाउद्दौला का महल लूटा, और उधर साउथ में भी उससे पहले टीपू सुल्तान का महल लूटा, और ये तमाम प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान को ब्रिटिश राज के दौरान में शुरू हुई। रामपुर स्टेट का ये राइज का ज़माना था, और उसी के साथ साथ ये इल्मदोज भी थे, तो नतीजा ये हुआ कि जब लाल किले की लाइब्रेरी के जैसे बाबर ने बकाए में अपने लिखा है कि जब वो आया तो अपने साथ एक अच्छा कलेक्शन किताबों का लाया, तो उसने लिखा है बाबरनामे में कि हिंदुस्तान में बरसात का मौसम आता है, बड़ा खुशगवार होता है, खूब बारिश होती है, लेकिन मेरे मखलूतात को बहुत नुकसान पहुंचता है, जो मॉइस्चर है वो मेरी किताबों को वो करता है। तो इतने इल्मदोस्त लोग थे कि मैं समझता हूँ आज के बहुत से लाइब्रेरीज़ के लोग भी इस बात से वाकिफ नहीं होंगे कि जो बरसात का महीना इस वक्त चल रहा है ये हमारी किताबों के लिए डैमेजिंग। लेकिन बाबर को पता था 16th century में, तो ज़ाहिर है जब किताबें लुटती हैं या कोई भी चीज़ लुटती है तो जो भी पैसा देगा वो उधर जाएगा सामान। इन्होंने ये कहा कि भाई किसी भी कीमत पर कोई मखतूता है उसे ख़रीद लो। बहुत से मखतूतात यहाँ मौजूद हैं जिस पर नवाबीन का लिखा हुआ मौजूद है कि आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि इतना बेहतरीन मखतूता हमें मिला है। तो ये उनकी इल्म दोस्ती का सबूत है।
तो 1857 जो है उसका तमाम लखनऊ में जितना वो मैनुस्क्रिप्ट लुटे, दिल्ली में लुटे वो, और जो पर्सनल कलेक्शंस, ये जो लोग गुरबत की तरफ चले गए उन्होंने अपने कलेक्शंस बेचे, तो ज़्यादातर वो कलेक्शंस रामपुर आए। और रामपुर मैं समझता हूँ एक बहुत अहम इल्मी मरकज़ बन के उभरा। बहुत से मखतूतात ऐसे हैं जिनकी सिर्फ एक कॉपी, यानी ख़ुद जियाउद्दीन बरनी कि जिसकी तारीफ़ रुशाई हमने शाई की है, उसका सहीफ़ नात मोहम्मदी दुनिया में वाहिद मैनुस्क्रिप्ट है वो यहाँ है रज़ा लाइब्रेरी में। इस लिहाज से ये लाइब्रेरी बड़ी अहमियत के हामिल है, और भी लाइब्रेरीज होंगी लेकिन मैं समझता हूँ ये बड़ी अहम लाइब्रेरी। नहीं, हमारे जो स्कॉलरशिप्स हैं वो संस्कृत के लिए है, अरबी के लिए है, फारसी के लिए है, और तारीख़ और उर्दू के लिए है। तो इस पे जो लोग काम करते हैं उनको लाइब्रेरी स्कॉलरशिप देती है, और उनको हम उन्हीं के स्पेशलाइजेशन का एक मखतूता देते हैं, या तो वो उसको एडिट करें और या वो उसका किसी इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करें। जो जवाहरलाल नेहरू ने जब भाखड़ा नंगल डैम को इनॉग्रेट किया था तो तब उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया था कि नए हिंदुस्तान के ये टेम्पल्स हैं। हमारे पास उर्दू मखतूतात के साथ साथ हिंदी मखतूतात भी हैंगे। देखिए ये हिंदी मखतूतात जो है वो हमारे पास ये रखे हुए हैं, इस ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इनके नाम लिखे हुए हैं, निजात नामा लिखा हुआ है, ये जंग अशार है, पद्मावत है। इसी तरह से पश्तू का कलेक्शन भी है हमारे पास, ये कलाम खुशहाल खटक है। उर्दू में मुख्तलिफ फ़नून पर हमारे यहाँ किताबें हैं, ये फ़िक़्ह पर किताबें जो हमारे यहाँ रखी हुई हैं, इसकी बाइंडिंग आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है, ये नवाब साहब के ज़माने की बाइंडिंग है, इसकी लेदर बाइंडिंग है। ये हमारे यहाँ लेबॉरटरी है तो उसमें हम इसको वक्त वक्त पर देखते रहते हैं, इनकी ह्यूमिडिटी वगैरह चेक करते रहते हैं, और अगर कोई किताब में मॉइस्चर वगैरह आता आएगा तो उसको हम लेब में भेज देते हैं। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे पेपर ऑब्जेक्ट्स हैं और बहुत साल से हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे काम होता चला आ रहा है। पहले जो है ट्रेडिशनल मेथड की तरह यूज़ होते थे, ये हमारे जो लगे हुए हैं जो घर में यूज़ करे जाते हैं, हमारे क्लोव है, तंबाकू है, सिनेमन है, नीम ऑयल है, ब्लैक क्यूमिन है, अजवाइन है, अश्वगंधा है। पेपर ऑब्जेक्ट पर मेनली जो है एक सिल्वर फिश नाम का एक इंसेक्ट्स लगता है बायोडिटोरेशन में, और फंगस है, और आपका एक बुक वर्म होता है, बुक लाइस होता है, इस तरीके के इंसेक्ट्स जो हैं पेपर पर बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो अब हमारे आज के दौर में जो है साइंस बहुत तरक्की कर गई है, तो अब जो है केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन आज से 500 साल पहले ये सब केमिकल्स नहीं थे। उस पीरियड में ये मैनुस्क्रिप्ट्स हमारे सामने आज भी हैं, क्यों हैं ये एक सोचने वाली बात है, वो है इसकी वजह से, क्योंकि उस पीरियड में जो घरेलू मेथड जो हैं घर में जो यूज़ करने वाले जो चीज़ें हैं उनके द्वारा जो है ये सब किताबें जो है बचाई गई। उसमें जैसे मेनली जो एक कीड़ा मैं आपको दिखाऊं, सिल्वर फिश ऊपर लगा हुआ है इसमें, इसको हटाने के लिए किताबों से एक गेंदे की जो पत्तियां होती हैं उनको आप सुखाएंगे, गेंदे की पत्तियों को, और उसको ड्राई करके आप बुक में रख देंगे, तो ये जो कीड़ा होता है जो स्पाइन को मेनली खाने के लिए आता है वो इस गेंदे की पत्तियों से वो दूर भागता है वो। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये सिल्वर फिश के लिए गेंदे की पत्तियाँ। इसी तरीके से अजवाइन, अजवाइन जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फंगस के लिए, फंगस फफूंदी, फफूंदी जो है किताबों में वो बहुत ज़्यादा लग जाती है मॉइस्चर की वजह से, इंडिया के अंदर फ्लक्चुएट होता है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, तो हमारा ये जो आपका अजवाइन जो होती है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, केमिकल से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये फंगस के लिए। और जहाँ पर भी अगर फंगस दिखाई दे रहा है आप अजवाइन रखिए और वहाँ से जो है 100% फंगस जो है हट जाएगी। इसी तरह से हींग, हींग जो है इफ़ेक्टिव है टर्माइट के लिए, आप कहीं पर भी टर्माइट का कोई भी अटैक अगर हो रहा है आप वहाँ पर हींग को रखिएगा, हींग से जो है टर्माइट बहुत दूर भागती है। इसी तरीके से एक होता है कैम्फर, कैम्फर ऑयल जो होता है अगर आप उसको रख देंगे तो आपका किसी भी तरीके का बायोडिटोरेशन जो है उधर उस एरिया में नहीं होगा। इन सब का मिक्सचर बनता है, इन सब का मिक्सचर बनाने के बाद एक परसेंटेज होती है, उसका मिक्सचर बनाने के बाद जो उसमें क्लोव ऑयल, इसको कैम्फर को भी सॉरी यूज़ कर सकते हैं इसमें, उसको जो है अगर आप एक मिक्सचर बनाएंगे, मिक्सचर बनाने के बाद जहाँ पर आपका स्टोरेज एरिया है अगर वहाँ पर रख दिया जाएगा इसको, तो बुक वॉर्म, बुक लाइस, सिल्वर फिश तीनों तरीके के इंसेक्ट जो हैं वहाँ से हट जाते हैं।
हम लोग अब सॉल्वेंट क्लीनिंग कर रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो इसकी हम पहले सॉल्वेंट क्लीनिंग करेंगे। ये बहुत बिल्कुल येलो हो गया है एसिडिक की वजह से। ये हमारा सॉल्वेंट है जो हमने इसको भी वाटर का सॉल्वेंट बनाया है। वाटर के साथ सारे केमिकल्स मिक्स करके इसमें इथेनॉल, हाइड्रोजन परऑक्साइड और ओपीपी डाला है फंगस के लिए। इसमें हम इसको अपने फोलियो को हम ऐसे ही नहीं डाल सकते पानी में, ये इसके इसमें ख़राब हो जाएगा पानी में, इसके फोलियोस खराब, फाइबर्स ख़राब हो जाएंगे। तो हम पहले एक पॉलिथीन शीट लेंगे, उसके ऊपर अपना फोलियो रखेंगे और इसे धीरे धीरे पानी में डालेंगे, जो हमारा पानी के साथ ये धीरे धीरे पानी में डिप कर देंगे। इसे थोड़ी देर के लिए पानी में ही रहने देंगे जिससे इसका एसिडिटी जो है वो पानी में निकल जाए। कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद हम इसे पानी से बाहर धीरे धीरे निकालेंगे, जो ये पानी इस पॉलिथीन शीट की हेल्प से। फिर इसे धीरे से इस ब्लॉटर पर ट्रांसफ़र कर देंगे और पॉलिथीन शीट इस पर सर हटा देंगे। दिस इज़ द सॉल्वेंट क्लीनिंग। ये हमने सॉल्वेंट क्लीन किए, देख सकते हैं आप पानी में येलोनेस आ गई, ये एसिडिटी इसमें से रिमूव हो रही है। कॉन्जर्वेशन ये नहीं है कि आप लिया और कोई लेमैन का काम नहीं है, एक टीम इस टीम को इसको काम को करती है और बहुत पेशेंस का काम है, साइंटिफिकली वर्क है, स्लो वर्क है कॉन्जर्वेशन। तो इस तरह की परेशानियाँ उठाते हैं कि कभी कभी मैंने मतलब इंस्टीट्यूशन के जो हेड्स हैं या दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो इस तरह की बात करते हैं कि जल्दी से करके दे दीजिए, तो कॉन्जर्वेशन जल्दी से करके नहीं दिया जा सकता। हम लोगों ने यहाँ पे एक जब ये जिस लेबोरेटरी में आप बैठे हैं ये पहले स्टोर हुआ करता था, तो जब इसको फिर हमारी लेबोरेटरी जब इस्टेब्लिश हुई 1995 में, तो यहाँ से सारा मटेरियल हटाया गया। तब हमारे इस स्टोर में काइट पेपर के ऊपर लिखा हुआ एक कैलीग्राफी मिली जो बहुत बड़े साइज़ में थी। वो कैलीग्राफी हमने भी ऐसी सोचा कि ये बहुत काइट पेपर के ऊपर है, ऐसी होगी। जब हमने उसको छोटे छोटे पीस में, वो टूट चुका था, वो काइट पेपर था और अप्रॉक्सीमेट 100 साल पुराना। आप एक आइडिया लगा सकते हैं तो 100 साल में वो काइट पेपर किस कंडीशन में होगा, पाउडरी फॉर्म में आ रहा था। एंड जब हमने उसको देखा तो उसमें कुरान के 13 पारे लिखे हुए थे। उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, वो जो नजफ़ में हज़रत अली का रोज़ा है उसका स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसमें अल्लाह के 99 नेम्स थे। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जिसको आप टच नहीं कर सकते थे, बहुत बड़ा पोर्शन, बहुत बड़े साइज़ का वो ऑब्जेक्ट जो ज़मीन में पड़ा हुआ था, उसको रेस्टोर करना जो हमारी इस लेबोरेटरी में इस पिछले 17-18 साल में एक चैलेंजिंग था हमारे लिए। उतना चैलेंज काम हमने आज तक नहीं करा जितना काम हमने उससे करा, और उस ऑब्जेक्ट को आज भी देख के बहुत खुशी मिलती है कि हमने वो ऑब्जेक्ट रेस्टोर करा। और हमारे पास इस तरह की सारी हमारी मशीन से हमारा जो वर्क है जो चलता रहता है। जी देखिए, ये है फ्यूमिगेशन चैम्बर, मैं आपको दिखाता हूँ। अब कोई भी बुक्स या मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हमारी लेबोरेटरी में ट्रीटमेंट होने के लिए आ रही है, या तो फंगस अफेक्टेड है या इंसेक्ट्स अफेक्टेड है, अगर हम उसको डायरेक्ट क्लीन कर देंगे तो उसके पोर्स जो हैं एटमॉस्फेयर में फैलेंगे, जो दूसरी बुक्स या मैन्युस्क्रिप्ट पर अटैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसको फ्यूमिगेट करते हैं। ये एक स्पेशल चैम्बर होता है जो एयर टाइट होता है। इसमें हम अपनी ये बुक्स या मैन्युस्क्रिप्ट को इस तरह से वी शेप में करके रखते हैं और अपना केमिकल्स रखते हैं। दो तरह के केमिकल्स हैं, इंसेक्ट्स के लिए अलग हैं एंड फंगस के लिए अलग हैं। जो फिर जो टेम्प जो हमारा केमिकल्स है वो रूम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है और उसकी फ्यूम्स इसके अंदर भरती हैं, और ये चैम्बर एयर टाइट होता है तो जितने भी उसमें जो इंसेक्ट्स या फंगस है वो सब कुछ इसके अंदर किल हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो फ्यूम्स जो टॉक्सिक है, जो इंसेक्ट्स और फंगस को किल कर रही है, वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो सारी फ्यूम्स बाहर आएंगी जो हम इनहेल करेंगे। तो इसी तरह हमारा एक ये चैम्बर हमने बनवा रखा है फ्यूम हुड, ये बहुत सख्त हैवी पावर से चलता है। तो हम इसको खोल के अपना मेन गेट बंद कर देते हैं तो जितनी फ्यूम्स हैं ये हैवी सक के थ्रू ऊपर छत से ऊपर बाहर निकल जाती हैं, जो हम लोगों के लिए सेफ है। ये इस तरह करके बंद अपना टेम्परेचर रख दिया जाता है। ये इसका स्पेशल लॉकिंग हैगा जो इसको फुल्ली टाइट रखता है, एक ऊपर और एक नीचे। हमने कुछ अपने ब्लू ऑफ्स जो वर्क हमारी कॉन्जर्वेशन लेबोरेटरी में हुआ है जो हम रिटर्न कर देते हैं, उनके फोटोग्राफ्स के थ्रू हमने एक छोटी सी अपनी गैलरी बना रखी है, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जैसे एक एग्जांपल आप देखिए, ये अवध के एक नवाब की पेंटिंग है और टाइम के साथ किस तरह से डैमेज हुई है, एंड दिस इज द सेम आफ्टर कॉन्जर्वेशन। ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने आपको अभी लेबोरेटरी में बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट लेबोरेटरी में जो हम लोगों के लिए एक चैलेंजिंग था। अब आप देख रहे हैं कि इस ये बहुत बड़े साइज का एक ऑब्जेक्ट था कैलीग्राफी,
एंड बहुत छोटे छोटे हिस्सों में टूटा हुआ था, पतंगी कागज़ पे था, अब आप देखिए कैसे छोटे छोटे हिस्सों में टूटा है। फोटोग्राफिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से हमने इसको इकट्ठा करके रखा है एंड दिस इज सेम आफ्टर कॉन्जर्वेशन। अब आप जितना इसमें ये ब्लैकिस देख रहे हैं ये राइटिंग है, इसमें कुरान के 13 पारे लिखे हैं। ये जो स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा था ये हज़रत अली का जो नजफ में रोज़ा है उसका है एंड इसमें 99 नेम्स ऑफ अल्लाह हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो पोर्शन आप ऊपर का जो मिसिंग पोर्शन था उसको हमने थोड़ा सा टोन डाउन किया है। हम चाहते तो इसको बिल्कुल मैच करा सकते थे लेकिन उसकी एक एस्थेटिक वैल्यू बनाए रखने के लिए कि क्या ओरिजिनल है और क्या एडिशनल हैगा। रामपुर राजा लाइब्रेरी न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में एक पहचान रखती है और इसकी शोहरत यहाँ पर जो मौजूद मखतूतात का ज़खीरा है उसकी बुनियाद पे है। आप देखेंगे तो ये लाइब्रेरी तकरीबन 200 साल पुरानी है। नवाबों ने जब यहाँ पर इस्टेट कायम किया था उसके साथ लाइब्रेरी कायम की थी। सबसे पहले नवाब फैज़ुल्लाह ख़ान जिन्होंने इस रियासत को 1774 में कायम किया था रामपुर रियासत को, उसी के साथ साथ जो उनका ज़खीरा था उनके आबा अजदाद से उनके पास ये मिला था उन्होंने यहाँ पर किताबों का ज़खीरा एक उसके लाइब्रेरी की शक्ल में महफूज रखा। बाद में जो उनके डिसेंडेंट थे उनके वारिसिन थे उन लोगों ने भी इसमें इजाफा किया और ख़ास तौर से आप देखेंगे कि इस लाइब्रेरी की जो तारीख़ है उसमें नवाब मोहम्मद सईद ख़ान के अहद में इसको बाकायदा एक लाइब्रेरी की शक्ल दी गई और नवाब मोहम्मद सईद ख़ान ने उसके लिए एक मोहर बनाई थी और ये पहली मोहर है जो इस रज़ा लाइब्रेरी के पुराने मखतूतात और किताबों में वो मोहर मौजूद है। उस पर लिखा हुआ हस्त ई मोहर बर कुतुब खाना वाली रामपुर फरजाना, ये नवाब सईद मोहम्मद सईद ख़ान की ये मोहर है। उसके बाद नवाब यूसुफ़ अली ख़ान का ज़माना आता है। 1857 के गद्र में दिल्ली और लखनऊ जब उजड़ गए तो वहाँ से बहुत से पढ़े लिखे लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ के इल्मी माहौल को और ज़्यादा परवान चढ़ाया। आज़ादी के बाद उन्होंने इस रियासत को जब मर्ज किया तो लाइब्रेरी को स्टेट गवर्नमेंट के हवाले कर दिया और वो ट्रस्ट काम करता रहा उस वक्त तक, यहाँ तक कि वो 1975 में इस लाइब्रेरी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। एक्चुअली यहाँ पर 17,000 मैनुस्क्रिप्ट्स हैं और उसमें से बहुत बड़ा ज़खीरा जो है अरबी फ़ारसी का और उर्दू का बहुत बड़ा ज़खीरा है। इसके अलावा 5,000 मिनीचर पेंटिंग है जो मुग़ल पेंटिंग के का बहुत अच्छा कलेक्शन है। दुनिया में अगर कोई भी आदमी मुग़ल पेंटिंग पर रिसर्च कर रहा है तो यहाँ पर आए बगैर उस आप समझिए कि उसकी रिसर्च कंप्लीट नहीं होगी। अरबी ज़खीरे मखतूतात में बेशुमार कीमती नुस्खे हैं और कापियाँ हैं और किताबें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर रामपुर रज़ा लाइब्रेरी में चमड़े पे लिखा हुआ कुरान मजीद है जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ का दस्त मुबारक का लिखा हुआ बताया जाता है उनसे मंसूब है। कैटलाग का मकसद होता है सेव द टाइम ऑफ यूज़र, जो स्कॉलर आता है उसका टाइम बचाया जाए और उसे जल्द से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसके मकतूबा मैनुस्क्रिप्ट के बारे में उसको मिल जाए। कैटलाग कई तरह का होता है, कार्ड कैटलाग होता है, एक रजिस्टर कैटलाग होता है। तो रजिस्टर कैटलाग में सब सब्जेक्ट की एक जगह मिल जाती है लिस्ट, कार्ड कैटलाग में उस किताब डिक्शनरी के हिसाब से किताब को तलाश कर सकते हैं। लेकिन हम जो कैटलाग बना रहे हैं ये डिस्क्रिप्टिव कैटलाग कहलाता है, बहुत डीप स्टडी के बाद होता है। इसमें बहुत वक्त लगता है, एक एक मखतूते पे कई हफ्ते भी लग सकते हैं। हम पूरा मखतूता अव्वल से आखिर तक पूरा पढ़ते हैं और उसके अंदर की सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर हम पूरे प्रोफार्मा पर फीड करते हैं। इसमें आथर, मुसन्निफ़ का ज़माना, लिखने वाला स्क्राइबर ने किस सन में लिखा है, किस स्क्रिप्ट में लिखा है, कितने पेज का मखतूता है, उसमें कोई मोहर है तो उस मोहर को डिसाइफर करना, उस मोहर से पीरियड निकालना। अम्मा बाद अलहम्दुलिल्लाह व अहलिही वहदा वस्सलात वला नबी व अहलिही बादा फ़यकूलुल जानी अर्राजी अफ़ रब्बिही अलफू वर्रज़ा अफ़करु खलीफती खलीकतिही इलैहिल मुश्तहर
بمہذب الدین احمد بن عبد الرضا. تو یہ اس میں بتا رہا ہے مصنف کہ میں کس اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے اور حمد و ثنا بیان کر کے اور اس کے بعد یہ کہ میرا نام یہ ہے اور میں اس کتاب کو شروع کر رہا ہوں. تو اس میں آخر میں مصنف نے ہر ایک میں اپنا نام بھی دیا ہے, لیکن جو چیز مس ہو گئی ہے وہ عرشی صاحب کو بھی نہیں مل پائی. اس پورے یہ ہینڈ لسٹ عرشی صاحب کا کیٹلاگ ہے, وہ پیریڈ نہیں مل پایا کہ کس زمانے میں لکھا, لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے تلاش کر کے اس فن طب کے ایک دوسرے سب اس میں جا کر کے یہ تلاش کیا کہ فن معمہ میں اس نے لکھا تھا مصنف نے عربی کے اندر کہ مشقہ 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 بدایت و نہایت یوم الصعب من الشہر التاسع من السنۃ الثانیہ من العشر التاسع من المئۃ الاولی من الالف الثانی. وہ اس طرح وہ لکھ رہے ہیں کہ دوسرے ہزارے کی پہلی صدی کے نوی دہائی کے دوسرے سال میں میں نے یہ کتاب لکھی, اس کا مطلب 282 ہجری. ہم سستی شری بھگوتے نمو نمہ گرم گنپتی نتوا درگام وانی مہیشورم بھاسکرم بٹکم وشنم مہاکالیم جگنمئی. یہ میں سنسکرت کے مینوسکرپٹس کی کیٹلاگنگ کر رہی ہوں. یہاں پر لگ بھگ 350-400 کے قریب مینوسکرپٹس ہیں, جن میں سے 333 کا کیٹلاگ تیار ہے, لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں جو چھوٹ گئی ہیں, دو چار کتابیں چھوٹی ہوئی ہیں, پلس کچھ کتابوں میں تھوڑی بہت مسٹیک رہ گئی ہے بنانے والے سے, تو اس کو دوبارہ سے بنایا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پیٹرن ہے وہ پرانا جو ہے وہ چینج ہے, اور نیا والا جو پیٹرن ہے وہ ہمارے ڈائریکٹر سر ایران سے لے کے آئے ہیں, تو اس کے اکارڈنگ یہ بن رہا ہے. مصلی قلم باوضو از آب امداد بر سجادہ صفحہ نماز تحریر عنوان بالحمد للہ رب العالمین آغاز گردانیدہ بر اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہاں فارسی میں کام کر رہی ہوں, اور یہ کیٹلاگ یہاں پر کم از کم 7000 کے قریب کیٹلاگ ہے ہمارے رضا لائبریری میں. اب تک جتنے کیٹلاگ اس کا چھپا ہے ہماری فہرست سازی ہوئی ہے وہ 3 جلدیں ہیں اس میں, لیکن وہ صرف انڈیکس کے طور پر ہے. لیکن اب ہم جو بنا رہے ہیں اس کا وہ ایک ڈیٹیل سے بنا رہے ہیں. ایک اور چیز ہوتی ہے اس میں جدول کہلاتا ہے, جو آؤٹ لائن ہوتی ہے اور وہ کلر سے ہوتی ہے. دیکھیے جیسے یہ ہے اور یہ جدول کہلاتا ہے اس کی, اور بالکل بارڈر پہ یہ باریکا کہلائے گا, اس کو ہم جدول کہیں گے, اس کو باریکا, اور جب شروع ہوگا تو ہم اس کو لا کہتے ہیں جو بہت خوبصورت سا بنا ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہمیں پوری ڈیٹیلز دینی ہوتی ہے کاہے میں اباؤٹ بک میں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کی رائٹنگ کو جو پرانی رائٹنگس ہیں ان کو نہیں پڑھ پاتے. وہ ایک فن کہلاتا ہے پورا ڈیسائفرنگ, کہ اس کو جو مشکل زبان ہے اس کو پڑھنا. اب کیونکہ زبان آہستہ آہستہ صاف ہو گئی ہے لکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی, تو اس لیے جو پرانی زبان ہے اس میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فیکٹس رہ جاتے ہیں, نہیں پڑھ پاتے ہیں, اس کے پڑھنے والے کم ہو گئے ہیں. تو یہ بہت اہم کام ہے اس اعتبار سے, دیوان غیرت کے نام سے ہے. اب مجھے کیا پریشانی ہے کہ غیرت نا, یہ تو ان کا پین نیم ہو گیا, ان کا نام کیا ہے؟ ایکچولی یہ ریسرچ ورک ہے, کمپلیٹلی ریسرچ ورک ہے. اب میرے پاس اتنے ریفرنس بکس ہیں, میں نیٹ سے بھی سرچ کرتا ہوں, میں بکس میں جو ہمارے پیچھے دے رکھے ہیں ریفرنس بکس اس میں بھی دیکھتا ہوں. تو ایک بک ہے اس کے اندر ان کا ملا کہ شاہجہاں کے دور میں ایک غیرت ہوا کرتے تھے. میں اس کو میمورینڈم ایک ہمارے یہاں وہ ہے تو اس میں میں اس کو دوں گا کہ وہ شاہجہاں کے دور میں خواجہ کامگار حسینی کے نام سے ایک تھے, کامگار حسینی, اور انہوں نے جو ہے شاہجہاں کی تاریخ لکھی ہے. تو کیا وہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں تو ایک اور نام ہے وہ نواب کے نام سے, اتفاق سے وہ بھی غیرت ہیں, تو وہ کون سے غیرت ہیں؟ تو اس میں کیونکہ دیا ہوا نہیں ہے کہ یہ غیرت تو ان کا پین نیم ہے, بٹ وہ ان کا نام کیا ایکچوئل, تو ایکچوئل نام پتہ چلے گا تو پیریڈ پتہ چلے گا, پیریڈ پتہ چلے گا تو اس ٹائم کا جو سینیریو ہے, اس ٹائم کا جو ماحول ہے, انہوں نے کس کے اوپر لکھا ہے, کیا لکھا ہے, ان کا مقصد کیا تھا, یہ سب چیزیں ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا پبلیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے جو رضا لائبریری کی اہمیت ہے. ہمارے پبلیکیشن میں 136 پبلیکیشن ہیں جو ہم چھپواتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں زیادہ تر جو کلیکشن ہے پبلیکیشن میں وہ ہمارے مینوسکرپٹ کا ہے. ہمارے یہاں جو مینوسکرپٹ کا بیش قیمتی خزانہ ہے اس کو ہم وقتاً فوقتاً ٹائم ٹو ٹائم اس میں پبلش کرتے رہتے ہیں اور چھپواتے رہتے ہیں. اس میں جو بھی آفیسر ہوتے ہیں ان کی اہم بھومکا ہوتی ہے اور اس میں کام کرتے رہتے ہیں. جیسے یہ ہمارے یہاں والمیکی رامائن ہے, یہ 3 کھنڈوں میں ہے ہمارے یہاں والمیکی رامائن. اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کی پہلی ایسی رامائن ہے
जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट हुई है। इसकी खासियत यह है कि ये रामायण है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट है, तो ये गंगा जमनी तहजीब का एक बहुत ही मजबूत उदाहरण है, हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत ही मजबूत उदाहरण है। ये सुमेर चंद ने लिखी थी, इसको लिखने वाले एक हिंदू थे, पर्शियन में लिखा है उन्होंने। इसकी खासियत यह है कि ये पर्शियन में लिखा और एक हिंदू ने लिखा रामायण, ये बादशाह फर्रुखसियर के ज़माने में लिखी गई थी सुमेर चंद के द्वारा, और अब इसका ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ और इसको लिखने वाले मुसलमान हैं दोनों, प्रोफेसर शाह अब्दुलसलाम साहब और डॉक्टर विकारुलहसन सिद्दीकी साहब, जो यहाँ दोनों ओएसडी के पद पर मौजूद थे पहले। एक चीज़ और है, ये पेंटिंग्स जो हैं ओरिजिनल में, ये पेंटिंग्स हमारे यहाँ इसमें मौजूद हैं, सारी पेंटिंग्स इसमें दी हुई हैं। जैसे ये पेंटिंग्स है, ये ऊपर डिटेल दे रखी है, वैसे ही उसकी हिंदी है तक बनाई दी है। ये तीन खंडों में हमारे यहाँ है और ये हमारे पब्लिकेशन में बहुत बिकती है। ये हमारा रामपुर का इतिहास है, इसमें 1930 से 1949 के बीच का जितने हालात हैं सारे दिए हुए हैं। रामपुर की सारी हिस्ट्री इसमें मौजूद है और रामपुर के हिसाब से अच्छी किताब है। ये नैजुल बलागा है, ये हज़रत अली करम अल्लाह वजू से रिलेटेड है, उनसे मुतालिक किताब है। ये मैनुस्क्रिप्ट है, मैनुस्क्रिप्ट की कॉपी ही है, इसको छपाया नहीं है लेकिन मैनुस्क्रिप्ट को कॉपी कर दिया है। जो हमारे डायरेक्टर हैं प्रोफेसर एस एम अजीज़ुद्दीन हुसैन साहब, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये तारीख़ फिरोजशाही है, ये ज़ियाउद्दीन बरनी की लिखी हुई है, और ज़ियाउद्दीन बरनी जो थे वो मुरीद थे हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के, जिनका दिल्ली में मज़ार है। ये सरगुज़िश्ते दिल्ली हिंदी में है हमारे यहाँ, ये भी जीवन लाल की ज़ुबानी है। जीवन लाल एक मुंशी हुआ करते थे 1857 में, उनकी डायरी पे सब नोट कर लिया करते थे, वो जो हालात गुजरे उस टाइम में उनकी डायरी से नोट किए गए हैं, उनकी डायरी मिल गई थी कहीं, तो उसके हालात इसमें नोट हैं। हम हर जगह बुक फेयर में भी जाते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी हमें मिलता है। फाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन आ गया। शादी लाइफ।